और इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली में एक बड़ी बैठक हो रही है। बैठक बीजेपी दफ्तर में हो रही है और अमित शाह ये बैठक ले रहे हैं। इसमें जम्मू कश्मीर के बीजेपी के नेता भी शामिल हो रहे हैं और साथ ही बीजेपी के कोटे के वो मंत्री भी इसमें शामिल हैं जो सरकार में हैं। अब सोर्सेज हमारे कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ कड़े और बड़े फैसले ले सकती है, इस लिहाज से ये बैठक बुलाई गई है। माना यह भी जा रहा है कि सुरक्षा बलों के ऑपरेशन को रमजान के बाद फिर से शुरू करने का फैसला पीडीपी, जो कि कोलिशन पार्टनर है जेएनके में, उसे पसंद नहीं आया है। साथ ही पीडीपी चाहती थी कि इसे आगे बढ़ाया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे खत्म करने का फैसला लिया रविवार को। आज जो बैठक हो रही है उसमें इन्हीं मुद्दों पर बात की जाएगी और हो सकता है, जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं, कि आज कोई बड़ा फैसला बीजेपी की तरफ से ले लिया जाए। वैसे अमित शाह के साथ बैठक में जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता और सरकार में शामिल मंत्री मौजूद हैं। इस मुलाकात से पहले आपके लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि अमित शाह से एनएसए अजीत डोवल मिले हैं। ये मुलाकात भी अमित शाह के घर पर हुई। उसके बाद बीजेपी दफ्तर में अमित शाह और जम्मू कश्मीर के मंत्रियों और नेताओं की ये बैठक हो रही है। अमित शाह और अजीत डोवल की मीटिंग को कश्मीर से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने बड़ी बात कही है। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी पहले भी कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ती थी, आगे भी अकेले लड़ेगी। अमित शाह से बैठक से पहले ये एक बड़ा बयान है। पार्टी में जो रूटीन की मीटिंग होती है वही है, 2019 हमारा लक्ष्य है, उसके लिए भी जम्मू कश्मीर में ठीक है। दूसरा अमरनाथ यात्रा भी हो सकती है और पार्टी के कार्यक्रमों को किस प्रकार से आगे चलाना है वही मुख्य मुद्दे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पहले भी अकेली लड़ी थी, इस बार अकेले। वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने मीटिंग से पहले ये कहा कि ये बैठक 2019 के लोकसभा चुनाव पर चर्चा को लेकर है। 2019 में आने वाले चुनाव है उसको लेकर चर्चा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर में 6 में से हमारे पास 3 सीटें हैं और हम कोशिश करेंगे कि 2019 में हमारी 6 की 6 सीटें बीजेपी की निकले। सीधे आपको लेकर चलते हैं मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार के पास। और रविंद्र, सबसे पहले मीटिंग में क्या कुछ चल रहा है, शुरू हो गई, खत्म हो गई, क्या अपडेट आपके पास है? और 2019 से पहले जेएनके की अगर खास तौर पर बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, क्या संकेत और क्या बड़े फैसले? देखिए, बैठक चल रही है, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह हैं, जम्मू कश्मीर के जो मंत्री हैं, पार्टी अध्यक्ष है, वो भी इस बैठक में हैं। साथ ही राम लाल मौजूद हैं, राम माधव को बुलाया गया है, कल वो आंध्र प्रदेश में थे, उन्हें स्पेशल तौर पर इस बैठक के लिए बुलाया गया। तमाम बड़े नेता संगठन के भी हैं और प्रदेश के भी हैं। और जाहिर तौर पर इसमें जो हमें जानकारी मिल रही है, मिशन 2019 को हर राज्यों में कैसे पूरा किया जाए उस पर गहन अध्ययन तो किया ही जाएगा। साथ ही रमजान के बाद जो सस्पेंशन ऑपरेशन हुआ है उसको लेकर जो प्रदेश स्तर पर पीडीपी और बीजेपी के बीच में जो तनातनी की स्थिति बनी हुई है उस पर भी चर्चा होगी। कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर भी, संगठन को लेकर भी और मिशन 2019, इन तीनों मसले पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। रविंद्र, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है पीडीपी ये जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन रमजान के दौरान भारत सरकार की तरफ से अनाउंस किया गया था उसको वापस रिज्यूम करने का फैसला आया, दोबारा से उन ऑपरेशंस को स्टार्ट करने की, शुरू करने की बात की गई, रविवार से उसकी इजाजत मिल गई सुरक्षा बल जो थे। आप क्या देखते हैं, पीडीपी और बीजेपी की खींचतान कितनी आगे तक जाएगी? देखिए, जब सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी उस समय भी प्रदेश के जो नेता हैं वो संगठन मंत्रियों से और केंद्रीय जो संगठन के अधिकारी हैं उनसे साफ तौर पर कहा था कि ये नहीं होना चाहिए, आतंकवादियों के खिलाफ हमारी जो जंग है वो जारी रहना चाहिए। लेकिन सरकार के एक बड़े मंत्री की पहल पर, चाहे एनएसए के पहल पर, इसको लागू किया गया और महबूबा मुफ्ती के साथ दिया गया जो डिमांड कर रही थी। लेकिन रमजान के बाद भी वही हालात थे, बड़े नेताओं का ये मानना था, बड़े मंत्रियों का ये कहना था कि घाटी में इसका संदेश अच्छा गया है, इसे और आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो केंद्रीय संगठन के बड़े नेता थे उनका साफ तौर पर कहना था कि घाटी में भले ही संदेश अच्छा गया हो लेकिन पूरे देश में इसका संदेश बुरा गया है और बीजेपी के लिए खराब होगा, इसलिए इसको आप तुरंत खत्म करिए। और उसके बाद ये फैसला लिया गया और ऑपरेशन चालू हुआ। आपने भी देखा कि बांदीपुर में खत्म होते ही 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। तो कहीं ना कहीं संगठन और सरकार को लेकर थोड़ी बहुत गलतफहमी थी, उसे दूर किया गया और ऑपरेशन चालू है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो हमेशा बोला जा रहा है कि जो 2019 आसान नहीं होगा मोदी सरकार के लिए भी और बीजेपी के लिए, इसीलिए जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं अमित शाह 23 जून को जा रहे हैं, जम्मू भी जा रहे हैं, एक दिन वहां रहेंगे भी। हर सीट पर पूरे देश की जो एक एक सीट है उसके बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है, उस पर क्या गुना भाग हो सकता है उस पर चर्चा हो रही है। हर प्रदेश में खुद जा रहे हैं या फिर वहां के लोगों को बुलाया जा रहा है। आपने देखा कि राजस्थान को बुलाया गया है, अभी जम्मू कश्मीर को। तो कहीं ना कहीं पीडीपी के जो संबंध है 2019 तक चलने की पूरी संभावना है, लेकिन बीजेपी अपनी जो 3 सीटें हैं वो 3 सीटों को बरकरार कैसे रखे
इस पर भी चर्चा होगी और इसका संदेश पूरे देश में कैसे जाए, क्योंकि तो जब ये सरकार बनी थी आपने भी ध्यान दिया होगा कि मोदी सरकार और बीजेपी की यही पहल थी कि घाटी में हम स्थिति हालात सुधारते हैं तो पूरे देश में हालात अच्छे होंगे पार्टी को लेकर, लेकिन आपने देखा कि घाटी में हालात बहुत ज्यादा नहीं सुधरे और देश का उसका प्रतिक्रिया भी देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी लग रहा है, बीजेपी को लग रहा है कि घाटी को वहां पर सख्त कार्रवाई हो और पूरे देश को साथ लिया जाए। शुक्रिया रविंद्र कुमार इस अपडेट के लिए। और भूले नहीं, बीजेपी और आरएसएस की मीटिंग हुई थी, संगठन की कुछ दिनों पहले मीटिंग भी हुई थी 2019 के चुनावों को लेकर, उसी को आगे बढ़ाते हुए ये मीटिंग जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ अमित शाह की।